दोस्तों आज भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाएगा। तो ऐसे में ही दोस्तों जानते हैं कि इस मैच में भारतीय टीम और वेस्टइंडीज की टीम की प्लेइंग 11 कैसी होगी और दोस्तों जानेंगे इन दोनों ही टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों पहले बात करें, भारतीय टीम को पहले वनडे मैच से पहले ही तीन बड़े झटके लग चुके हैं। जहाँ भारतीय टीम की तरफ से शिखर धवन, श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इन तीनों ही खिलाड़ियों को ओडीआई सीरीज से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह मयंक अग्रवाल और ईशान किशन को स्क्वाड में शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों ऐसे में पहले बात करें, इन दोनों ही टीमों के बीच पहला वनडे मैच 6 फरवरी यानी आज के दिन खेला जाएगा और ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा दोपहर में 1:30 बजे। वहीं दोस्तों इन दोनों ही टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों ही टीमों के बीच अभी तक वनडे इतिहास में टोटल 133 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारतीय टीम ने 64 मैचों में वेस्टइंडीज की टीम को हराया है। तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम ने भी 63 मैचों में जीत दर्ज की है। तो वहीं 6 मैचों का नतीजा नहीं निकला था। दोस्तों आंकड़ों में तो पूरी तरह दोनों ही टीमें एक दूसरे पर काफी भारी पड़ती दिखाई देती हैं। तो दोस्तों ऐसे में पहले बात करें वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 की तो वेस्टइंडीज की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए शाई होप और ब्रेंडन किंग ओपनिंग बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में निकोलस पूरन, शमरा ब्रुक्स, काइरन पोलार्ड और फाबियन एलन मिडिल ऑर्डर में नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में जेसन होल्डर, अलजारी जोसेफ, ओर्डिन सुमित, कीमा रोच और अकील हुसैन वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों अब बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन नजर आएंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा मिडिल ऑर्डर में नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। और दोस्तों इसी के साथ पहले वनडे मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 इस तरह होगी। जहां दोस्तों भारतीय टीम को तो मैच से पहले ही काफी बड़े बड़े झटके लगे हैं और दोस्तों केएल राहुल पर्सनल रीजन की वजह से पहले वनडे मैच को मिस करने वाले हैं, हालांकि दूसरे वनडे मैच से उनकी वापसी होती हुई दिखाई दे जाएगी। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम वेस्टइंडीज की टीम को पहले वनडे मैच में धूल चटा पाएगी कि नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे में अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।